तो परफॉर्मेंस इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी, बट आपको क्लियरली अंतर पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिखाया था वो तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। मेरे एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ पर थे उसको आप लोगों ने यहाँ पर ला के रख दिया है। फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और उम्मीद रखता हूँ ऐसा ही सपोर्ट आप लोगों का हमेशा मेरे ऊपर बने रहे। वीडियो आने में बहुत देर हो गई, उसका कारण ये है कि मेरे कैमरा का जो माउंट है जिसको जे माउंट कहते हैं वो मेरे हाथों टूट गया था, तो जिसके कारण बहुत दिन ब्लॉगिंग हो नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है और अब से हमेशा रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। सो टुडे आई एम सुपर पम्प्ड अप एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो। सो आज फ़िलहाल हमारे पास है एसटीपी का ऑप्टिन बूस्टर, तो उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहाँ गए तुम? तो आज हमारे पास है एसटीपी का ऑक्टेन बूस्टर। ये मेरे पास फ्लिपकार्ट से बस रिसेंटली डिलीवर हुआ था, तो सोचा आज इसमें एक वीडियो बना दूँ। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये आपके फ्यूल में मिक्स होता है और उसकी ऑक्टेन लेवल बढ़ाता है। सो बेसिकली जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती है ये चीज़ उनके लिए है। परफॉर्मेंस बाइक जैसे कि ड्यूक 390 हो गई, ड्यूक 250, निंजा 300, इन सब गाड़ियों को हाई ऑक्टेन फ्यूल की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट KTM खुद अपने बाइक्स में रॉन 91 ऑक्टेन फ्यूल रिकमेंड करता है, जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो वही मतलब जो पोर क्वालिटी का फ्यूल होता है उसकी ऑक्टेन लेवल को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। हाई परफॉर्मेंस डिटर्जेंट्स हेल्प रिस्टोर्स पावर एंड एक्सेलरेशन। ऑक्टेन बूस्टर बूस्ट्स ऑक्टेन टू रिड्यूस द नीड फॉर हायर ऑक्टेन फ्यूल, फाइट्स नॉकिंग एंड पिन ड्यू टू ऑटो इग्निशन। जेट फ्यूल हाई क्वांटिटी कैरियर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो परफॉर्मेंस इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी, बट आपको क्लियरली अंतर पता चल जाएगा कि बाइक में कुछ तो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको फिलअप करते हैं और करके फिर डायरेक्टली चलते हैं, एक बार राइड लेते हैं और देखते हैं गाड़ी में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई है भाई। तो एकदम ही कम क्वांटिटी डालना है, बाइक में अभी लगभग 3-4 लीटर फ्यूल है तो एकदम कम क्वांटिटी में डालना है। बस हो गया। तो इस पे लिखा हुआ है ट्रीट्स अप टू 21 गैलन्स, यूज रेगुलरली एस यू फिल अप, हेल्प्स रिस्टोर पावर एंड एक्सेलरेशन। तो हमने ऑक्टेन बूस्टर डाल दिया है, अब एक बार बाइक को भगा के एक बार देखते हैं कि कैसा रेस्पॉन्स आता है। भाई बाइक तो स्मूथ तो लग रही है, अब चला के नहीं पता चलेगा। ओ भाई, ओ भाई, ओ
फील्स अमेजिंग मैन। तो भाई अब इसको डालने के बाद मैंने थोड़ी देर बाइक चलाई, वहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ, और परफॉर्मेंस इंस्टेंटली पता चल रहा है कि बाइक में कुछ तो है, क्लियरली कुछ डिफरेंस तो पता चल रहा है आराम से बाइक में। इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी और स्मूथ हो गई, पिकअप लेने में थोड़ा और जल्दी ले रहा है, जैसे नॉर्मली जैसे लेता है उससे थोड़ा फास्ट, 0.1 सेकेंड के जैसे, इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं है, बट अब मुझे अंतर पता चल रहा है कि बाइक में कुछ तो है। वो मैन मज़ा आ गया यार इसको डाल कर। तो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा, एक बार इसको आप यूज़ कीजिए, यूज़ करके आप मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये चीज़। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहाँ से एक टर्न ले लेते हैं और टाउन पर ही इसको भगा के देखते हैं। अब तो वैसे भी रोड्स खाली है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और हाफलॉन्ग पर बहुत ही ठंड हो रहा है। मैं कांप रहा हूँ पर कोई बात नहीं, काम तो काम है। यहाँ से टर्न ले लेते हैं, यहाँ से एक बार भगा के देखते हैं बाइक को लॉन्च करके। एक बार आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, आप इसको एक बार ज़रूर परचेज़ करें एक बार फ्लिपकार्ट से। मैं उसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ट्राई करें, ट्राई करके फिर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। पर खैर मैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार, और एक बार फिर से ट्राई कर लेते। ये है हमारा स्कूल, यही वो स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो आपने देखा हमने बाइक को भगाया है थोड़ा सा, तो बाइक को भगाने के बाद हमें पता चला कि द पावर ऑन ऑफर एंड द टॉर्क ऑन ऑफर इज मच बेटर नाउ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये व्हीली तो ऐसे ही पॉप अप कर रही है, और यही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई फोर्सफुली नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लगे तो ही कीजिए, नहीं लगे तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंड कॉमेंट डाउन योर थाट्स व्हाट यू फील अबाउट इट। Till then, ride hard, stay safe. Good bye.